अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं खेल खिलाड़ी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर जेम्स फॉल्कर के ऊपर पाबंदी आयद कर दी और ये पाबंदी अब जब तक पाकिस्तान सुपर लीग के आइंदा आने वाले सीजन होंगे तमाम सीजन में बरकरार रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्वेटा ग्लेडिएटर्स की मैनेजमेंट ने मुश्तरका एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि जेम्स फॉल्कर को अब आइंदा किसी भी सीज़न में जो है वो पिक नहीं किया जाएगा, वो पाकिस्तान सुपर लीग के किसी भी ड्राफ्ट का हिस्सा नहीं होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मज़ीद जो वजाहत जारी की उसमें कहा है कि जेम्स फॉल्कर जिन्होंने गुज़िश्ता बस जो है अपना एक अकाउंट शेयर किया था यूके का, उस अकाउंट में उनके एजेंट के थ्रू उन्होंने जो है अपना अकाउंट शेयर किया था धोखे ताकि उनको जो पेमेंट्स है वो की जा सके, तो उस अकाउंट में पेमेंट्स कर दी गई थी। लेकिन अचानक उन्होंने जो है एक माह कबल उन्होंने एक अकाउंट शेयर किया जो कि ऑस्ट्रेलिया का था। उन्होंने कहा कि अब यूके वाले अकाउंट में नहीं बल्कि आप ऑस्ट्रेलिया के अकाउंट में मेरी जो है वो पेमेंट्स करें, जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि वो पेमेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस बात के ऊपर इख्तलाफ हुआ और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि जेम्स फॉल्कर ने जब जुम्मे के रोज़ तमाम तरह वाकया हुआ तो जेम्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश की। जेम्स फॉल्कर ने कहा कि वो जो उनकी टीम है अपनी टीम के लिए खेले, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक पैसे जो है वो मेरे अकाउंट में मुंतकिल नहीं होते मैं मुल्तान सुल्तान के खिलाफ भी नहीं खेलूंगा और आइंदा मैचेस में भी नहीं खेलूंगा। जेम्स फॉल्कर के ना खेलने से क्वेटा ग्लेडिएटर्स को नुकसान हुआ, काफ़ी बड़ा जो टारगेट था वो मुल्तान सुल्तान ने सेट किया और बिलाखिर क्वेटा ग्लेडिएटर्स को उस मैच में शिकस्त हुई। तो वहाँ क्रूशियल मौके के ऊपर जहाँ क्वेटा ग्लेडिएटर्स को ज़रूरत थी जेम्स फॉल्कर की, वहाँ वो उसका हिस्सा नहीं बने और उन्हें अगले मैचेस भी ना खेलने की धमकी थी और बिलाखिर खैर वो चले गए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि उन्होंने इमिग्रेशन हुकाम के साथ ही बदतमीज़ी की, वहाँ पर होटल की जो मैनेजमेंट थी उसके साथ बदतमीज़ी की, जो फानूस था वहाँ पर एक महंगा फानूस है उस फानूस के ऊपर जो है उन्होंने अपना हेलमेट दे मारा, वहाँ पर जो कुछ स्टाफ था बताया गया कि उनके ऊपर उन्होंने जो है वो बोतलें फेंकी। इत्तेफाक से जो है वो किसी को लगी नहीं, लेकिन ये तमाम तर हरकतें जेम्स फॉल्कर ने की हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जेम्स फॉल्कर के ऊपर जो है पाबंदी तो आयद कर दी अपनी लीग में, लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से रिटर्न में ये दरख्वास्त करेगा या फिर उनके ऊपर जो है वो हद तक इज्जत का कोई दावा करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक का पाकिस्तान ने एक बड़ा स्टेप यह है कि जेम्स फॉल्कर के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि वो आइंदा किसी भी पीएसएल के सीज़न में कोई भी टीम उनको जो है वो पिक नहीं कर सकेगी।